आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो, क्या अपनी खुशी भुला सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी स्काई ऑफ लव ये ऐसे ही स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। ये 2017 की एक बहुत ही ब्यूटीफुल जापनीज मूवी है। इस मूवी को आप भुला नहीं पाओगे। होल्ड बैक टू योर सीट्स एंड इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर मिका को एक ट्रेन में सफर करते हुए हम देख सकते हैं। मिका हमसे कहती है कि हीरो मेरी जिंदगी में आया, उसने मुझे बहुत सारे दुख दिए और उसके साथ कुछ ब्यूटीफुल से मूवमेंट भी दिए। अब हमारी मूवी 7 साल पहले एक फ्लैशबैक में चलती है। मिका तब स्कूल में थी। लंच पर मिका और उसकी फ्रेंड्स बात कर रही थी कि बॉयज में से उन्हें कौन अच्छा लगता है। मिका की एक फ्रेंड है जिसे दूसरी डिवीजन का लड़का बहुत ही पसंद है। ये उनके क्लासरूम से बाहर आए तो वही लड़का उसके फ्रेंड के साथ उनके पास आ रहा था। यहाँ हम हमारा और एक मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है हीरो। मिका की फ्रेंड को जो लड़का पसंद था उसे लगा कि वो लड़का उसे ही अप्रोच कर रहा है, पर उसने मिका को अप्रोच किया। वो मिका से उसका नंबर पूछता है। मिका डर गई थी और उसे अपना नंबर नहीं देती। इसके बदले में मिका की फ्रेंड ही अपना नंबर उसे दे देती है। मिका यहाँ से जा रही थी तो वो हीरो से टकरा गई। यहाँ पर हीरो ने उसे फर्स्ट टाइम नोटिस किया था। मिका की फ्रेंड खुश थी कि जिस लड़के को पसंद करती है तो उसके साथ वो डेट पर जाएगी। उस लड़के के लिए उसने मेकअप भी किया था। जब मिका और उसकी फ्रेंड स्कूल जा रहे थे तो हीरो फिर से उनके पास से गुजरता है। स्कूल के बाद मिका ने नोटिस किया कि उसके पास उसका फोन नहीं है। उसकी फ्रेंड कॉल लगाती है तो रिंग तो जा रही है। मिका रियलाइज करती है कि शायद उसका फोन लाइब्रेरी में है। वहां पर वो गई तो उसका फोन बज रहा था। किसी लड़के का उसे कॉल आया था। ये लड़का कहता है तुम्हें तुम्हारा फोन मिल गया, अच्छा हुआ। मिका उसे पूछती है कि कौन बोल रहा है। वो लड़का कहता है कि ये एक सीक्रेट है। मिका ने चेक किया तो उसके मोबाइल में कुछ भी मैसेजेस या नंबर नहीं थे। वो उस लड़के से पूछती है कि तुमने डिलीट क्यों किया। वो लड़का कहता है अगर कोई तुम्हें सचमुच में कॉल करना चाहेगा तो कर देगा, ज्यादा वरी मत करो। रात में हम मिका को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। उसकी मदर ने एक बहुत ही अच्छी सी डिश बनाई थी जिस पर वो और उसकी सिस्टर इन दोनों का झगड़ा चल रहा था। इनके फादर कहते हैं कि आज मुझे वो खाने का मूड नहीं है, यानी कि मिका और उसकी सिस्टर ये पेट भर खा सके। मिका की मदर कहती है कि काश तुम्हारे फादर मुझसे भी इतना प्यार करते जितना वो तुमसे करते हैं। इस फैमिली का बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट हमें दिखाया जाता है। रात में मिका को फिर से उस लड़के का कॉल आया। वो पूछता है क्या तुम सो गई थी। मिका उठकर कहती थी कि नहीं मैं तो नहीं सोई थी। यहाँ पर मिका उसे बात करती है। सुबह होने पर फिर से उस लड़के का कॉल आता है। मिका उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये फेयर नहीं है। वो कहता है क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, मेरा नाम एक सीक्रेट है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी बातें की। मिका कहती है कि तुम्हारे लुक्स क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा मन कैसा है। वो लड़का कहता है कि मैं बहुत ही काइंड हार्टेड हूँ, मैंने तुम्हें तुम्हारा मोबाइल वापस कर दिया। इन दिनों मिका का स्प्रिंग ब्रेक चल रहा था। इस लड़के से वो कहती है कि जब स्कूल खुलेगी क्या हम दोनों मिल सकते हैं। वो जानना चाहती है कि वो दिखता कैसा है। वो कहता है कि अपने विंडो खोलो। वहां पर स्मोक की लाइन बनी हुई थी। उसने कहा कि हमारा प्राइवेट मोमेंट है, इसकी तुम फोटो ले लो। एक दिन रात में मिका के फादर और मदर का झगड़ा चल रहा था। एक्चुअल में फादर एक बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए घर पर उन्होंने एक लोन लिया है। आज मिका का बर्थडे था जो इस वजह से सही से हो नहीं पाया। उस लड़के से इसके बारे में उसने बात की तो कहता है कल हम स्कूल में मिलते हैं, तुम्हारा बर्थडे हम सही से सेलिब्रेट करेंगे। अगले दिन जब मिका वेट कर रही थी तो उसके पास हीरो आया। हीरो के बाल व्हाइट है, सबको लगता है ये बहुत ही घटिया लड़का है। जब हीरो मिका के पास आया तो उसने उसे फ्लावर्स दिए। कहता है कि वो मैं ही हूँ जिससे तुम फोन पर बात करते हो, जिस स्मोक की लाइन का फोटो उन्होंने लिया था ये फोटो भी उसे दिखाता है। मिका ये सब देखकर सरप्राइज थी, वो हीरो को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो डर गई, कहती है कि ये नहीं हो सकता, जल्दी से वहां से भाग गए। ये सब बात उसने अपने फ्रेंड से भी कही। उसकी फ्रेंड कहती है कि उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। स्कूल से घर जाते वक्त मिका ने फिर से हीरो को नोटिस किया। हीरो ने उसके लिए जो फूल लाए थे ये फिर से गार्डन में वो प्लांट कर रहा था। उसे यहाँ पूछ लेती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। हीरो कहता है पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। इन फ्लावर्स को वाटर कर रहा था। यहाँ पर सनशाइन थी तो इस वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से एक छोटा सा रेनबो आया। हीरो कहता है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। उसने मिका को टीज करने के लिए उस पर भी थोड़े से ड्रॉपलेट छिड़काए। मिका को यह सब बहुत ही अच्छा लगा। वो कहती है किसी का दिल कैसे जीतना है ये हीरो को हमेशा से पता था। वो फिर उसके साथ हैंग आउट करने लग गए।
एक दिन हीरो ने उसे मैसेज किया कि चलो हम कहीं चलते हैं। ये दोनों फिर स्कूल बंक कर बाइसिकल से राइड करते हुए हीरो के घर पर आए। हीरो इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए एक सेल्फी लेता है, पर ये छोटा सा मोबाइल था तो दोनों इसमें दिख नहीं पाते। इस पर बहुत हंसते हैं। ये पास आ गए थे तो हीरो उसे किस करता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। ये मीका का फर्स्ट टाइम था। हीरो अपनी नींद में किसी और का नाम लेता है। मीका ये सुनकर बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी। वो जब घर जा रही थी तो हीरो को मैसेज कर पूछती है, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। हीरो कहता है, हमेशा के लिए। सब चीजें सही चल रही थी। एक दिन मीका हीरो का वेट कर रही थी, तभी उसके पास एक गाड़ी आई। गाड़ी से कुछ लड़के उतरे, उसे पकड़कर गाड़ी में डालकर कहीं लेकर जाते हैं। मीका उन्हें रेजिस्ट करने का बहुत ट्राई करती है, पर उसका रेप कर डालते हैं। इसके बाद मीका डिस्टर्ब थी, इंजर्ड थी और वैसे ही घर आ रही थी। वो देखती है कि हीरो उसे ढूंढते ढूंढते आ रहा है। वो नहीं चाहती थी हीरो उसे इस हालत में देखे, पर उसने उसे ढूंढ ही लिया। जो भी हुआ मीका उसे सब कुछ बता देती है। ये हक कर दोनों रोने लग जाते हैं। मीका पूछती है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे। हीरो कहता है, ये मेरे प्यार की ताकत है। वो मीका को प्रॉमिस करता है कि जिसने भी ये किया उसे बदला लेगा। हीरो ने उन लोगों को ढूंढा और बहुत मारा। ये लड़के कहते हैं, हमें ये सब करने के लिए साकी ने पैसे दिए थे। एक्चुअल में साकी हीरो की एक्स गर्लफ्रेंड है। हीरो फिर साकी को पकड़कर मीका के पास लेकर आता है। हीरो कहता है, अब तुम डिसाइड करो इसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। अगर तुम कहोगी तो मैं इसे यही की यही मार डालूंगा। मीका नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से वो और हीरो जुदा हो जाए। वो साकी को छोड़ देती है। हीरो की सिस्टर मीका को सहारा दे रही थी। कहती है कि मेरे साथ भी ये हुआ था, तब मुझे स्ट्रांग बनना पड़ा था, पर तुम्हें स्ट्रांग बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। हीरो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। हीरो ने फिर मीका को घर छोड़ दिया। वो मीका के पेरेंट्स से कहता है कि बाइसिकल से गिर गई थी। मीका बहुत ही वरीड थी तो अपनी मदर को बता देती है। वो और मदर जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करवा कर आते हैं। उन्होंने चेक किया कि मीका प्रेग्नेंट है या नहीं, तो मीका प्रेग्नेंट नहीं थी। मीका शॉक में थी तो कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं आ पाई। एक दिन हीरो से कॉल करता है तो कहती है कि अब मैं स्कूल आने के लिए रेडी हूँ। हीरो ने कहा कि खिड़की के बाहर देखो, तो हीरो उसके घर के बाहर ही था। ये दोनों स्कूल जाते जाते हीरो उसे एक रिवर के पास लेकर आया। हीरो से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे भी बुली किया जाता था। एक दिन मैं उन लड़कों से लड़ा, इसी रिवर के पास मैंने उन्हें हराया था। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे स्ट्रांग महसूस होता है। यही स्ट्रेंथ वो मीका को देना चाहता है। मीका कहती है कि तुम रिवर की तरह हो, हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। हीरो कहता है कि मुझे स्काई बनना है ताकि मैं हमेशा तुम्हें देख सकूं, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। यहाँ पर हीरो ने मीका का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मीका के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसी वजह से अब भी वो शॉक में है। वो किसी को भी टच नहीं करना चाहते। मीका को साकी के मैसेजेस आते रहते हैं, उसमें लिखा होता है कि हीरो से तुम ब्रेकअप कर लो। एक दिन मीका स्कूल पर पहुंची तो सब बोर्ड्स पर लिखा हुआ था कि मीका एक बहुत ही डर्टी लड़की है। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। हीरो ने जब देखा तो बहुत ही गुस्सा था। हर क्लासरूम में जाकर ये बोर्ड्स को मिटा देता है। सबको धमकी देता है कि मीका मेरी है, उसे मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अगर फिर से उसके साथ किसी ने किया उसे मैं बहुत मारूंगा। वो लड़का है या लड़की मुझे फर्क नहीं पड़ता। मीका और हीरो फिर लाइब्रेरी में आए। मीका उसे थैंक यू कहती है। अब बहुत दिनों के बाद मीका फिर से हीरो का अपने हाथों में हाथ लेती है। कहती है कि मैं अब डर नहीं रही। ये दोनों यही लाइब्रेरी में इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों एक साथ अब बहुत ही खुश थे। एक दिन फैमिली डिनर पर मीका को अचानक से उल्टी आने लग गई। उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अगले दिन वो हीरो को एक रेस्टोरेंट में बुलाकर ही न्यूज दे देती है। हीरो जल्दी से वहां से भाग गया। वो अपसेट हो गए। जब थोड़ी देर बाद वो फिर से वहां से जा रही थी तो मीका उसके पास आ गया। उसने उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। कहता है कि मिलकर हम इस बच्चे को बड़ा करेंगे, हम बहुत मेहनत लेंगे, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। ये दोनों बहुत खुश थे। ये डिसाइड करते हैं कि अब शादी कर लेंगे। इन्होंने अपने लिए रिंग भी बाय किए। फिर से हैंग आउट करने के लिए रिवर के पास आए। मीका हीरो से कहती है कि अब हमें एक दूसरे की फैमिली को मिल लेना चाहिए। इसके बाद हीरो की फैमिली के पास आते हैं। हीरो के फादर पूछते हैं कि तुम इस चाइल्ड को रेज कैसे करोगे। हीरो कहता है अब मैं स्कूल से ड्रॉप ले लूंगा, मुझे जो भी काम करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। हीरो के फादर पूछते हैं क्या तुम मीका को खुश रख पाओगे। हीरो कहता है कि हाँ मैं रख सकता हूँ। इसके बाद फादर कहते हैं मुझे फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मीका फर्स्ट टाइम घर आई तो इसी वजह से हीरो की मदर उसे स्कार्फ गिफ्ट देती है।
इसके बाद ये दोनों मिलकर मिका के घर पर आए। हीरो उनसे परमिशन लेता है, वो मिका से शादी करना चाहता है, पर मिका के फादर कहते हैं कि तुम मुझे समझ लो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन दे नहीं सकता। हीरो ने कहा कि जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देते तब तक मैं ट्राई करता रहूंगा। हीरो ने अब अपने बाल भी नेचुरली ब्लैक कर लिए हैं। मिका उसे कहती है कि तुम इन बालों में फादर जैसे लगते हो। मिका ने हीरो को हाथ लगाया तो बहुत ही वार्म था। हीरो कहता है इन्हीं हाथों से जब तुम बेबी को हाथ में लोगे तो बहुत ही लकी होगा। एक दिन मिका को स्कूल में साकी और उसके फ्रेंड्स ने घेर लिया। वो उससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्या किया कि हीरो अब स्कूल में नहीं आता। मिका कहती है इसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। साकी गुस्से में उसे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम अगर उसके लाइफ में नहीं आती तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड होती। मिका ने कहा अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो तुम्हारे पास हुआ जाता। अब क्रिसमस आने वाला था तो रात में उसका सेलिब्रेशन चल रहा था। मिका और हीरो यही देखने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर हीरो ने बेबी के लिए एक छोटा सा टॉय लाया हुआ है। अचानक से मिका के पेट में दर्द होने लग गया। हीरो और मिका के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। मिका को जब होश आया तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या तुम गिरी थी? तुमने देखा था कि साकी ने मिका को गिरा दिया था, इसी वजह से मिका के बच्चे की डेथ हो गई। मिका पूछती है कि हीरो कहाँ है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो भाग कर यहाँ से चला गया। मिका को यह सब पता चलने के बाद वो बहुत रोती है। जब यह सब बाहर आए तो उसके पास भागते भागते हीरो आया। वो कहता है मैं पूरे टाइम टेम्पल में था, हमारे बेबी को कुछ भी ना हो इसके लिए प्रे कर रहा था। जो हुआ ये मिका उसे बता देती है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। हीरो जहाँ पर फ्लावर्स लगाता है उसी जगह पर वो मिका को लेकर आया। उसने अपनी बेबी के लिए जो टॉय लाया था वहाँ रख दिया। वो कहता है हर साल हम हमारी बेबी से मिलने के लिए इसी जगह पर आएंगे। हीरो विश करता है कि फ्यूचर में फिर से फैमिली बन पाए। इसके बाद हम डायरेक्टली सेकंड ईयर देखते हैं। एक दिन हीरो स्कूल में नहीं आया था। मिका उसे ढूंढने के लिए उसके घर पर आई। हीरो की सिस्टर कहती है कि बेबी के इंसिडेंट के बाद वो जरा डिस्टर्ब है, उसे अपने लिए कुछ टाइम चाहिए। हीरो एक्चुअल में घर में छुपा हुआ था। उसकी सिस्टर आकर उसे कहती है कि तुम कितने दिन ऐसे छुप कर रहोगे। मिका और हीरो की एक म्यूचुअल फ्रेंड थी। रात में मिका को उसका कॉल आया। वो कहती है कि हम हीरो के घर पर जो पार्टी है वही मिलेंगे। इस पार्टी के बारे में मिका को कुछ भी पता नहीं था, उसे बहुत बुरा लगा। इस पार्टी में मिका पहुंची तो हीरो ने उसे वेलकम तो किया और उसके बाद इग्नोर कर दिया। रात में ड्रंक होकर सब यही सो गए थे। बीच रात में मिका उठी, वो हीरो के रूम में गई तो हीरो किसी और को किस कर रहा था। वो हार्ट ब्रोकन होकर घर चली जाती है। अगले दिन मिका हीरो को लाइब्रेरी में कन्फ्रंट करती है। कहती है कि तुम किसी और को किस कर रहे थे। हीरो कहता है कि अब मुझे और लड़कियों को डेट करना है। मिका पूछती कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। हीरो कहता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। मिका उसे बाद में मैसेज करती है, कहती है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो मैसेज में लिखती है कि मुझे फिर से तुमसे बात करनी है, लाइब्रेरी में मिलना। मिका ने हीरो का रात तक वेट किया पर हीरो आया ही नहीं। घर आकर वो फिर से हीरो को मैसेज करती है, कहती है मैं तुमसे इस तरह से ब्रेकअप नहीं कर सकती, कल हम हमारे फेवरेट प्लेस पर मिलते हैं, यानी रिवर के पास। अगले दिन जब मिका हीरो का वेट कर रही थी तो हीरो वहाँ आता तो है पर कहता है मैं तुमसे फिर से पैचअप नहीं करना चाहता। मिका रोते रोते कहती है तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इस तरह से ब्रेकअप नहीं कर सकती। हीरो कहता है मैं हर बार तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ सकता। अपनी वेडिंग रिंग मिका के पास फेंक कर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं पर मिका हीरो को बहुत ही याद करती है। एक दिन स्कूल में एक फंक्शन था तो उसे फिर से हीरो दिखा। हीरो को फिर से देखना उसके लिए बहुत ही पेनफुल था। अब वो डिसाइड करती है कि अगर प्यार में पड़ना इतना पेनफुल है तो फिर से कभी भी प्यार नहीं करना चाहती। अब एक साल बीत चुका है और मिका को उसके फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं। इन नए फ्रेंड्स में एक लड़का है जिसका नाम है नोजुमू। नोजुमू मिका को लाइक करता है तो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें प्रपोज कोई करेगा तुम्हें कैसा प्रपोजल अच्छा लगेगा। मिका कहती है कि मुझे बेबी ब्रेथ फ्लावर्स पसंद है। ये वही फ्लावर है जो उसे फर्स्ट टाइम हीरो ने दिए थे। हीरो और मिका ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था अपने बेबी को याद करने के लिए। हर साल एक जगह पर वो मिलने वाले थे। मिका इस साल यहाँ पहुंची तो उसने नोटिस किया कि हीरो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। उसे ढूंढने की कोशिश करती है पर ढूंढ नहीं पाती। वो यहाँ पर विजिट कर आई तो उसका बाहर ही नोजुमा वेट कर रहा था। मिका उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नोजुमा कहता है कि बहुत ही स्नो हो रहा है, मैं तुम्हें घर लिफ्ट देना चाहता हूँ। नोजुमा उसकी इतनी ज्यादा केयर करता है ये देखकर मिका को रोना आ गया। मिका को लगता है कि शायद उसके बेबी ने ही नोजुमा को उसकी लाइफ में लाया।
शायद उसकी बेबी को लगता है कि मदर बहुत ही अकेली है, उसे भी प्यार की जरूरत है। ये सब सोचकर वो रोने लग गई थी। अब इनका स्कूल खत्म होकर अलग अलग कॉलेज में जाने वाले थे। इस कॉलेज में नोजुमो जा रहा था वो एक अच्छा कॉलेज था, वहीं पर मीका को भी एडमिशन मिल पाए, इसलिए उसे ट्यूटर करता है। मीका को भी उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन नोजुमो उसके सर पर हाथ लगाता है तो मीका को फिर से हीरो की याद आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीका और नोजुमो ये दोनों बीच पर थे। नोजुमा उसके लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स लेकर आता है, उसने यहाँ उसे प्रपोज भी कर दिया। मीका कहती है, क्या तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में कुछ पता है? नोजुमा कहता है, मुझे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया तो है। उसने उसे पूछा हीरो किस तरह का आदमी था। मीका कहती कि वो रिवर की तरह था, वो आगे आगे बढ़ता गया पर उसके साथ के लोग ये पीछे रह गए। नोजुमा कहता है कि मैं एक सी की तरह हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, जब भी तुम्हें कोई भी जरूरत होगी तो मैं यही रहूंगा। हमने मूवी में देखा था मीका के फादर एक नया बिजनेस ट्राई करने वाले थे, इसी वजह से उन्होंने घर पर भी लोन लिया था। इस बात को लेकर मीका के पेरेंट्स में बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। इनकी फाइट्स इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो डिवोर्स लेने वाले थे। मीका फैमिली में सबसे बहुत प्यार करती है, उसके मदर और फादर का डिवोर्स होना उसे अच्छा नहीं लगता। और नोजुमा के पास आई, वो बहुत रोती है तो नोजुमा उसे सहारा देता है। रोते रोते आज रात यही सो गई थी। सुबह हुई तो नोजुमा उसे फिर से घर छोड़ने के लिए आया। उनके लिविंग रूम में मीका देखती है कि उनके फैमिली फोटोज को फाड़ दिया गया है। वो बहुत ही हार्ड ब्रोकन थी तो नोजुमा एक सेलो टेप लेता है, फिर से इन फोटोज को जोड़ देता है। वो मीका के पेरेंट्स से कहता है, कल रात भर ये मेरे साथ थी, आप दोनों का डिवोर्स होने वाला है तो रात भर रो रही थी। फिर से जोड़ी हुई फैमिली फोटोज नोजुमा मीका के पेरेंट्स को दिखाता है। मीका के पेरेंट्स को उनकी गलती रियलाइज हुई, वो फिर से अपनी रिलेशनशिप को और एक ट्राई देना चाहते हैं। नोजुमा ने ये सब किया तो मीका उस पर बहुत ही खुश थी। वो हमसे कहती है कि मेरा सेकंड लव ये बहुत ही काम था, मुझे नोजुमा के पास बहुत ही सेफ महसूस होता था। मीका फिर से अपनी बेबी को विजिट करने के लिए आई हुई थी, नोजुमा उसका गाड़ी में वेट कर रहा था। उस जगह पर पहुंचे तो वह हीरो भी था। वो हीरो से कहती है, मुझे लगा था तुम बेबी के बारे में भूल चुके हो, हम दोनों इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे? हीरो इस बात को इग्नोर करता है तो मीका उसे पूछती है, तुम बार बार ऐसे क्यों करते रहते हो? वो जा रहा था तो मीका उसे रुकने के लिए कहती है पर वो रुकता नहीं, वो उसके पीछे पीछे भागे तो उसने रियलाइज किया कि एक हीरो है जिसने उसे छोड़ दिया था और दूसरा नोजुमा जो हमेशा उसे सपोर्ट करता है, उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अब इस बार वो नोजुमा को चूज करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में एक बोर्ड है जहाँ पर बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं। मीका इस पर लिखती है, क्या तुम कभी खुश थे? वो बाद में फिर से देखने के लिए आई तो यहाँ पर लिखा हुआ था, एक टाइम पर मैं बहुत खुश था। अब मीका मूव ऑन कर चुकी थी, वो कॉलेज में नोजुमो के साथ थी, अलग अलग फ्रेंड्स उसने बनाए थे और वो खुश थी। अब फिर से एक साल बीत चुका है, नोजुमो मीका को एक प्रॉमिस रिंग देता है, उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मीका भी कहती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। आज रात वो फिर से अपनी बेबी को याद करने के लिए उस जगह पर जाने वाली थी। नोजुमो वरी कर रहा था मीका को फिर से हीरो मिलेगा। मीका ने यहाँ देखा कि हीरो का फ्रेंड आया हुआ था, वो उसे पूछते हैं कि हीरो क्यों नहीं आया। हीरो का फ्रेंड रोने लग जाता है, कहता है आज रात के बाद वो नहीं आ पाएगा, उसने मुझे ये कहने के लिए मना किया था पर उसे कैंसर है, वो कहता नहीं पर हमेशा से तुम्हारा वो वेट कर रहा है। मीका को याद आया कि लास्ट टाइम जो मिली थी तो उसने हैट पहनी थी। उसने हीरो के फ्रेंड से पूछा कि उसे इसके बारे में कब से पता था, वो कहता है कि सेकंड ईयर से। मीका ने रियलाइज किया कि तभी से हीरो ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। ये सब पता चलने के बाद मीका बहुत ही शॉक में थी। थोड़ी देर में उसे देखने के लिए नोजुमा आया, वो उसे कहती है मुझे फिर से हीरो के पास जाना पड़ेगा, उसे सब कुछ उसने बता दिया। नोजुमा उसे रोकता है, कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मीका बहुत रो रही थी तब उसने रियलाइज किया कि वो जो कर रहा है वो गलत है, वो अगर सचमुच में मीका से प्यार करता है तो उसकी खुशी के बीच में नहीं आएगा। ये सब कहकर मीका को उसने जाने दिया, वो खुद बहुत रो रहा था। मीका फिर हीरो के पास हॉस्पिटल में आई, उसे पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हीरो कहता है कि तुम इसमें कुछ कर भी नहीं सकती थी, हीरो ने अभी भी उसकी वेडिंग रिंग पहनी थी। मीका ये देखकर रोने लग जाती है। हीरो कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड के पास तुम वापस चली जाओ, तुम खुश थी, हंस रही थी, मैं तुम्हारी खुशी के बीच में नहीं आना चाहता। मीका ने हीरो को हक कर लिया, कहती है मुझे जहाँ होना है मैं वही हूँ। इसके बाद उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लग गए।
हीरो के पास जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें वो उसके साथ पूरी तरीके से जीना चाहती है। वो टेम्पल में जाकर प्रे करती है कि हीरो को कुछ भी ना हो। एक दिन वो उसे रिवर के पास लेकर गई। वो उससे पूछती है, क्या तुम उससे शादी करोगे? हीरो भी इसके लिए हाँ कहता है। रिवर के पास से ये अपने वाउज लेकर शादी करते हैं। हीरो अचानक से रोने लग गया, कहता है, मुझे नहीं मरना, मुझे पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करनी है। मिका ने उसे गले लगा लिया। एक दिन मिका को हॉस्पिटल में साकी मिली। साकी प्रेग्नेंट थी तो मिका से कहती है, मैंने जो भी किया वो सब कुछ बहुत गलत था। अब जो मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझे सब कुछ गलतियाँ रियलाइज हो रही है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। मिका साकी के पेट में जो बच्चा है उसे कहती है, तुम हेल्दी बॉर्न होना। साकी ने उसके साथ इतना बुरा किया पर फिर भी उसके लिए अच्छा ही चाहती है। हीरो और मिका एक साथ थे तो मिका उसे पूछता है कि मरने के बाद क्या होता होगा। मिका कहती है, ये लोग हेवन में जाते होंगे। हीरो कहता है कि मैं स्काई बनना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूंगा, मेरे मूड के बारे में तुम्हें पता चलता रहेगा। अगर मैं सनी हूँ तो बहुत ही हैप्पी हूँ, अगर बारिश आ रही है तो मैं रो रहा हूँ। इस तरीके से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हीरो के पास एक कैमरा था तो मिका को कहता है, इन सब फोटोज को तुम प्रिंट कर लाओ। यही काम करने के लिए जब वो बाहर आई हुई थी तभी हीरो की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। हीरो की सिस्टर ने मिका को कॉल लगाया तो भागते भागते आ रही थी। वो हीरो को वीडियो कॉल भी लगाती है, कहती कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हें फाइट करना है। घर आते आते रास्ते में ही वो गिर गए, उसके हाथ में से सब फोटोज भी गिर गए। इन फोटोज में हम देखते हैं हीरो ने सब फोटोज सिर्फ मिका के ही लिए थे। इस सीन के बाद हीरो की डेथ हो गई। हीरो मिका के लिए उसकी पर्सनल डायरी छोड़कर गया था, इसे पढ़ने का मिका का करेज ही नहीं हुआ। हीरो की डेथ के बाद वो बहुत ही सैड थी, उसे अब जीना नहीं था तो एक ब्रिज के पास हुआ आई। वो सुसाइड करने ही वाली थी तभी कुछ बर्ड्स उसके फेस पर आए। उसने स्काई की तरफ देखा तो क्लाउडी था। उसके हाथ से हीरो की डायरी गिर गई थी। वो ये पढ़ती है तो उसने मिका के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। मिका ने रियलाइज किया कि हीरो चाहता है कि वो हमेशा जिंदा रहे। मिका अपनी लाइफ के प्रति जरा पॉजिटिव होती है। वो हमसे कहती है, हीरो ने मुझे बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज दी थी, इन मेमोरीज के साथ मैं मेरी लाइफ के साथ आगे बढ़ूंगी। मैं जब भी आसमान में देखती हूँ हमेशा उसके साथ होती हूँ, मैं उससे हमेशा प्यार करूंगी। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।